फ्रेंड्स, आई एम रमीश फ्रॉम webly-digital.com। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज के बारे में। ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स क्या है और बेस्ट ऑन पेज एक्टिविटीज क्या है जो आप आपकी वेबसाइट पर लाकर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना के निकाला हुआ है। अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं पहले उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में मैं प्रैक्टिकल कोडिंग भी वो बताऊँगा जो ऑन पेज एसईओ में लगती है, उसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको करके बताऊँगा। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ लेंगे, इसकी एक एक एक्टिविटी को समझ लेंगे, तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑन पेज एसईओ इस वीडियो में आप पूरी तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ, हमारी एक्टिविटीज़ की तरफ, कि सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में क्या क्या एक्टिविटी होती है। सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च, कि जिस कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है, उसके कंपटीटर कौन कौन है, उसकी कितने टफ कंपटीशन मिलेगा। मीन्स तीन टाइप का रहता है, हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन। तो हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होता है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप प्रेफर किए करिए गूगल गूगल एडवर्ड का कीवर्ड प्लानर टूल। वो बहुत ही अच्छा टूल्स है जो आपको पूरा एस्टिमेट बताता है कितना सर्च वॉल्यूम है, क्या कंपटीशन है, उसका सीपीसी क्या है, वो सब आपको गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से आपको मिलेगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है आपके ऑन पेज एसईओ के लिए कि आपका कीवर्ड्स क्या है जिसको आप टारगेट करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर टूल तो ओपन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी हुआ है और मैं आपसे कहूँगा कि आप वो वीडियो देख लें। कीवर्ड रिसर्च करने में एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि गूगल सर्च के रिजल्ट्स आपको क्या बताते हैं, सजेशंस, गूगल सर्च का सजेशन। वो मैं आपको यहाँ पर एक मेरे ब्राउजर को ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल सर्च सजेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, हम सबसे पहले गूगल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक कीवर्ड्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन। देखिए, ये जो हमारे पास जो लिस्ट आ रहा है, बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन हमने टाइप किया, इसके बाद फॉर वर्डप्रेस, फॉर वुकॉमर्स, फॉर वर्डप्रेस 2017 16, प्लगइन फॉर क्रोम, प्लगइन फॉर फायरफॉक्स, जुमला, ये हमारे पास सजेशंस आते हैं। ठीक है, हम इसको ही एंटर करते हैं, बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन्स को। तो हमारे यहाँ पर पास जो सजेशंस आएंगे वो नीचे रहेंगे। क्या बात है, इसमें कोई भी सजेशंस नहीं आया नीचे। ओके, ये लोड हो रहा है अभी। हाँ, देखिए यहाँ पर ये सजेशंस आए, यहाँ पर ये आपको सजेशंस आए कि आपका कीवर्ड क्या रहना चाहिए। बेस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स आप टारगेट कर सकते हैं, बेस्ट वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन 2018, वर्डफेन सिक्योरिटी, ये कीवर्ड्स हैं सारे, ब्लड फूड सिक्योरिटी। तो ये आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, अभी उनका वॉल्यूम कितना है, वो कितने कंपटीशन क्या है, वो आपको कीवर्ड प्लानर टूल पर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपका कीवर्ड्स जब सर्च कर लेते हैं आप, उसके बाद आता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग जो है दोस्तों, क्या होता है कि आपका गूगल सर्च पर डिस्प्ले होता है और उसको, ये देखिए जितने भी ये आपके ब्लू कलर के स्क्रीन लिंक्स हैं, ये आपके टाइटल टैग के थ्रू ही आते हैं। तो आपका टाइटल टैग ऐसा कैची रहना चाहिए और रिलेटिव टू आपके कीवर्ड्स के रहना चाहिए जिसके थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर करें।
मैं इस टाइटल टैग को भी आपके मेरे कोडिंग के थ्रू एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये टाइटल टैग लिया है मैंने, देखिए, लैपटॉप रेंटल सर्विस इन मुंबई। ये मेरे क्लाइंट की साइट थी जिसको एक साल पहले मैंने एसईओ किया था, उसके बाद फिर और दूसरे मेरे कलीग ने इस पे वर्कआउट किया, तो ये पुराना है। तो आप देखेंगे लैपटॉप रेंटल सर्विसेज इन मुंबई, मैं इसी कीवर्ड्स को आपको सर्च करके बता देता हूँ कि गूगल पे क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है या क्या इससे रिलेटेड सजेशंस आते हैं। तो ये आपका कीवर्ड्स टैग कीवर्ड रिसर्च भी हो गया और आपका टाइटल टैग भी हो गया। देखिए इसके थ्रू जो टाइटल है रेंटल लैपटॉप रेंटल इन मुंबई, ये तरह से टाइटल आपको देना रहता है। तो हम इसके सजेशंस देखेंगे तो क्या है, लैपटॉप रेंटल मुंबई, सिंगल लैपटॉप ऑन रेंट इन मुंबई, लैपटॉप ऑन रेंट इन मुंबई प्राइस, लैपटॉप ऑन रेंट इन नवी मुंबई। तो ये आप इस तरह से आपके कीवर्ड्स के सजेशंस ले सकते हैं गूगल से भी। देखिए ये ऑलरेडी जिस पे एसईओ किया था, ये भी काफ़ी टाइम एक साल पहले किया था, अभी भी वो रैंकिंग पर है और ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पोजीशन पर ये आ रहा है। तो इस तरह से आपको टाइटल लिखना है, टाइटल रिलेवेंसी रहना चाहिए, टाइटल आपका जो लेंथ है उसका मिनिमम 80 करेक्टर से 160 करेक्टर तक आप टाइटल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी आप अगर लेंथ देखेंगे तो ये नोटपैड प्लस प्लस में आपको लेंथ भी पता चलता है, ये आपको 60 का करेक्टर्स है। देखिए यहाँ पर मैं आपको 60 करेक्टर है, ये मेरा माउस कर्सर, देखिए मैं कीबोर्ड से कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसका, हमारा मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन क्या करता है कि आपके गूगल सर्च पे जो रिजल्ट आता है उस पर वो अपीयर होता है, और ये डिस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर देना रहता है मेटा टैग के साथ में, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट इज इक्वल टू हमारा डिस्क्रिप्शन रहता है, और ये अपीयर होता है आपके इस पोजिशन पे, ये आपका मेटा टैग डिस्क्रिप्शन है। यह भी एक आपका रिलेवेंसी का काम करता है, आपके एसईओ ऑन पेज एसईओ के लिए बूस्टर का काम करता है, लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने दिया, वी प्रोवाइड द लैपटॉप रेंटल सर्विस इन मुंबई, हायर लैपटॉप डेस्कटॉप एप्पल आईपैड ऑन रेंट। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जो हमारे रिलेटेड टू कीवर्ड्स से रिलेटेड रहता है, रिलेवेंसी रहता है, और कीवर्ड्स को हमारे सपोर्ट करता है गूगल के ऑन पेज एसईओ आने पे। जब भी गूगल स्प्रेडल गूगल का जो एल्गोरिदम चलता है वो टाइटल के बाद हमारे डिस्क्रिप्शंस को रीड करता है कि डिस्क्रिप्शंस क्या है, रिलेटिव है या नहीं है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शंस भी जो आपका लिमिट है वो 160 करेक्टर तक आपको देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद H1 से H3 टैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है, ये आपके पेज में रहना चाहिए H1 से H3, जो रिलेवेंट करेगा आपके एसईओ को। देखिए यहाँ पर मैंने जो H1 टैग यूज किया है, H1 के अंदर लैपटॉप ऑन रेंट ये टैग यूज किया हुआ है, H2 के अंदर लैपटॉप ऑन रेंट वापस से टैग यूज किया हुआ है, और H3 में भी किया होगा। तो ये आपका H1 से जो H3 टैग है उसमें आपका मेन कीवर्ड्स जो आपने टारगेटेड कीवर्ड्स करना है वो आपको यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। देखिए मैं इस साइट को भी ओपन कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से मेटा टैग टाइटल टैग हमारा हेडिंग का यूज करना है, हेडिंग टैग कैसे यूज करेंगे। देखिए लैपटॉप रेंटल सर्विसेज ये हमारा हेडिंग टैग है जो एसईओ को गूगल को सर्च एल्गोरिदम को इन्फ्लुएंस करता है। लैपटॉप रेंटल सर्विसेज वापस से हमने रिपीट किया है, ये हमारा H2 या H3 में रहेगा। तो इस तरह से आपको H1 H2 H3 तीनों टैग आपको आपके साइट पर देना है। तो ये हमारे हो गए तीन कीवर्ड रिसर्च, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 से H3 टैग। अभी उसके बाद आते हैं हमारा ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज के लिए, हमारा इमेज जितने भी हम इमेज यूज करेंगे उसमें हमें एल टैग यूज करना है, टाइटल टैग यूज करना है,
वो कैसे यूज करना है वो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लोगो लेता हूँ, लोगो एक इमेज है PNG, उसमें जो एल टैग यूज किया है वो लैपटॉप मुंबई किया है, और टाइटल टैग में जो यूज किया है लैपटॉप रेंटल सर्विसेज यूज किया है। और दूसरा इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा इमेज यूज किया होगा, देखिए ये लोग इमेज लोगोस, ये लोगोस वापस से यूज किया है। एंड देखिए ये जो हमने इमेज यूज किया है, यहाँ पर हमारा इमेज का जो टाइटल हमने दिया है लैपटॉप रेंटल सर्विसेज, एल टाइटल दिया है लैपटॉप रेंटल सर्विसेज, और एल टैग जो दिया है वो भी लैपटॉप रेंटल सर्विसेज दिया है। एल टैग मोस्टली हमेशा यूज होता है जब कभी हमारा इमेज अपियर नहीं होता, तो वहाँ पर हमारा एल टैग में टेक्स्ट जो लिखा होता है वो आ जाता है, और टाइटल टैग जब हम उसमें माउस लेके जाते हैं तब वो दिखता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको आपका जो इमेज का नाम हो, इमेज नेम, वो भी आपके रिलेवेंट कीवर्ड्स के ही रहना चाहिए, जैसे लैपटॉप ऑन रेंट, इस तरह से रहना चाहिए, ताकि आपके सारे चीजें जो हो आपके पेज के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करें आपके मेन टारगेटेड कीवर्ड्स को। आपका टाइटल टैग भी हो, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में भी आपका एक कीवर्ड्स हो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, H1 से H3 हो, इमेज एल टैग भी आपका, इमेज के अंदर जो एल टैग है वो भी आपका टाइटल कीवर्ड सी हो, जिसके थ्रू से वो आपका ऑन पेज SEO पे वेटेज आपका बढ़ता जाए। उसके बाद करते हैं हम इमेज के बाद बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। आपके पेज के ऊपर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको देना है, ये SEO की एक्टिविटीज में शामिल होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर इस पेज को मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर शो हो रहा है लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विसेज, ये इनका एक अदर कीवर्ड्स है, और ये आप देखेंगे वी प्रोवाइड द लैपटॉप ऑन रेंट, डेस्कटॉप ऑन रेंट, ये सब बोल्ड कीवर्ड हैं। यहाँ पर मैंने इटैलिक यूज नहीं किया है, लेकिन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कंपलसरी है, रिकमेंडेड है कि आप ऑन पेज SEO करें तो उस पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी यूज करें। और थर्ड वन ऑप्शन, सेवेंथ ऑप्शन आता है इसमें, हमारी सात एक्टिविटीज है, सेवेंथ ऑप्शन जो आता है वो एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन का है। एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आपके SEO का नेविगेशन जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये नेविगेशन दिया है, नेविगेशन पे टाइटल्स आ रहा है, इन केस अगर आप उसको नीचे कहीं पर नेविगेट करते हैं जैसा यहाँ पर दिया है, तो ये आपका लैपटॉप रेंटल सर्विसेज का नेविगेशन है यहाँ पर, ये प्रॉपर रहना चाहिए, इसका वर्डिंग बराबर रहना चाहिए। अभी ये पेज जब क्रॉल होता है तो इस पे एक लिंक बनता है लैपटॉप रेंटल सर्विसेज का, तो ये आपका एंकर लिंक ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, ये आपको मस्ट करना ही करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो ऑन पेज SEO एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, ऑन पेज SEO टेक्निक्स में शामिल हैं। इसके अलावा जो एडिशनल एक्टिविटीज है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इससे पहले अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बटी होती है, और मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। XML साइट मैप, ये क्या है? XML साइट मैप आपका जो है वो गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको रीड कर दे के काम में आता है। XML साइट मैप आप चाहिए तो ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, अगर आपका वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना रहे हैं तब वो आपको बहुत सारे प्लगइन्स उसके लिए मिल जाएंगे। अगर आप योस्ट SEO प्लगइन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट आता है, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो आप किसी भी साइट का साइट लिंक साइट मैप बना सकते हैं, जैसा साइट मैप जनरेटर, आप साइट मैप जनरेटर डालिए, आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा XML साइट मैप जनरेटर। आपको आपका यहाँ पर वेबसाइट का URL देना है, वेबसाइट का आप URL देंगे तो वो आपको साइट मैप जनरेट करके दे देगा, और सेम साइट मैप देखिए यहाँ पर ये यह आ गया, मैं इसका URL कॉपी करता हूँ। ये देखिए ये आपका XML साइट मैप जनरेटर यहाँ पर रेडी हो गया, यहाँ पर ये आपको XML साइट मैप फाइल जो है XML का फाइल डाउनलोड करने देगा। देखिए यहाँ पर ये जितने भी पेजेस हैं उसमें वो ऐड करता जा रहा है।
गिव्स साइट मैप डिटेल्स। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप फाइल, आप यहाँ से डाउनलोड करिए और इस फाइल को आपके होस्टिंग के रूट फोल्डर में अपलोड कर दीजिए। एडिशनल एक्टिविटी में सेकंड ऑप्शन आता है कि गूगल एनालिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन, तो वो आपको कोडिंग के थ्रू करना रहता है। आई थिंक मैंने यहाँ पर किया हुआ है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स का एप्लीकेशन कोड है जो साइट को ट्रैक करता है। ये आपको गूगल एनालिटिक्स के साइन अप करेंगे, आप वहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, डोमेन देंगे, तो आपको वहाँ से ये कोड मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी तो आपको इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये जस्ट इतना कोड आपको एनालिटिक्स के लिए इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपका पेज क्या रैंक पर पहुंचे वो प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके। एंड थर्ड ऑप्शन है एडिशनल एक्टिविटी में कि वेबसाइट का लोड टाइम मॉनिटरिंग करना एंड उसको इम्प्रूव करना। आपका वेबसाइट कितना फास्ट लोड हो रहा है, कितना स्लो लोड हो रहा है, कौन सी फाइल्स, कौन सी इमेजेस उसको स्लो कर रही है, वो सारी चीज़ों को आपको लोड टाइम मॉनिटरिंग करना रहता है। उसके लिए काफ़ी टूल्स हैं, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, डायरेक्टली मैं ओपन कर देता हूँ जीटी मैट्रिक्स, मेरा फेवरेट टूल्स है। आप पिंग डॉम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जीटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको यहाँ पर आपकी साइट का यूआरएल डालना है, उसको एनालाइज करना है, ये आपको पूरा रिपोर्ट दे देगा। सिमिलर दैट आपको पिंग डॉम टूल्स में भी ऐसा ही करना रहेगा, आपको ये पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा कि आपकी साइट किस पोजीशन पे है, कहाँ पर कितना वर्कआउट करना है आपको, आपके ऑन पेज के लिए है ये सारी एक्टिविटीज। और ये एक्टिविटीज आपके पूरे ऑन पेज एसईओ का बेस है। अगर आपका साइट हैवी होगा, स्लो लोड होगा, उसमें कनेक्शन ज्यादा होंगे, देखिए ये पेज स्पीड स्कोर तो काफी अच्छा है, वाई स्लो में ये अभी कम है, और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फुली लोड टाइम आपका ये 2.2 सेकेंड में पूरा वेबसाइट लोड हो जाता है, और टोटल पेज का साइज जो है 1.58 MB है। रिक्वेस्ट जो है वो 70 है एट प्रेजेंटली, जो काफ़ी ज़्यादा है, रिक्वेस्ट आपकी कम से कम होना चाहिए। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपका कहाँ पर आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये दे रहा है दो CSS फाइल्स है, एक आइकॉन है, एक CSS फाइल है, एक आइकॉन है, जिसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी एक्टिविटी अच्छे है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप टेस्ट कर लीजिए, आपका लोड टाइम मॉनिटरिंग, मैं इसमें भी आपको टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये आपका वेबसाइट लोड टाइम मॉनिटरिंग ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स का बेस है, इसके बिना आपका एसईओ अच्छा नहीं हो सकता, आप कितना भी मेहनत कर लें। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेड ए मिला है, 98 है, एकदम गुड है। लोड टाइम 1.8 सेकेंड दिखा रहा है यहाँ पर, फास्टर देन 72 अदर वेबसाइट से ज़्यादा फास्टर देन है। पेज साइज 1.6 एंड 70 रिक्वेस्ट, ये हमारा ऑन पेज एसईओ का बेस है। अगर हमारा वेबसाइट का साइज जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा, और हमारी वेबसाइट जितनी ज़्यादा स्पीड से ओपन होगी, उतना ही ज़्यादा गूगल उसको प्रायोरिटी देगा और गूगल उसको टॉप पर लेकर आएगा। ये ऑफ पेज एक्टिविटीज से पहले की सारे काम है, आपको ये काम अगर आपने सारे पूरे कर लिए ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज के, ये ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स है आपकी वेबसाइट का लोड टाइम स्लो रखना, कम रखना, उसमें रिक्वेस्ट कम करना। तो नेक्स्ट हमारा है एडिशनल एक्टिविटीज में ओपन ग्राफ टैग। ओपन ग्राफ टैग क्या होता है, मैं आपको इधर कोड में दिखा देता हूँ। ओपन ग्राफ टैग जितने भी आपके सोशल साइट्स पर आपका शेयर करने का रहता है, उसको हम ओपन ग्राफ ओजी टैग बोलते हैं। ये हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल प्लस के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ओजी टाइटल टैग है ये, देखिए लैपटॉप रेंटल सर्विस मुंबई, लैपटॉप रेंटल प्राइस, ये जब भी शेयर होगा यूआरएल तो इसके साथ में ये टाइटल जाएगा। एंड इसकी जो मेटा टैग प्रॉपर्टी, ओजी टाइटल हो गया, ओजी टाइप वेबसाइट हो गया, ओजी इमेज, उस जब भी शेयर होगा उसके साथ में ये इमेज शेयर होगी। यूआरएल, उसका यूआरएल दे देना है
एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, जब भी ये वेबसाइट शेयर होगी सोशल मीडिया पर उसके साथ में ये डिस्क्रिप्शन जाएगा, आप अपना कस्टम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। एंड सिमिलर दैट इसमें मैंने ट्विटर कार्ड भी यूज़ किया है, ओजी टैग में आता है, उस पर कंटेंट समरी है, ओजी टैग मेटा टैग जो है, मेटा नेम इज इक्वल टू ट्विटर साइट दिया है, ट्विटर टाइटल है, ट्विटर डिस्क्रिप्शंस है, ट्विटर इमेज एंड ट्विटर इमेज ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है। एक कॉन्शियल टैग भी आता है, लिंक है जिसको आप दे सकते हैं कि आपकी साइट डब्ल्यू डब्ल्यू से ओपन हो या डब्ल्यू विदाउट डब्ल्यू डब्ल्यू हो, एच टी टी पी हो, एच टी टी पी एस हो, कॉन्शियल टैग भी आप आपके डिस्क्रिप्ट आपके टैग में लगा सकते हैं, हेडिंग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचता है ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज का, कि हम फेच एस गूगल, जब भी हम वेबसाइट पे कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी पोस्ट लिखते हैं या किसी भी चीज़ को हम टारगेट करते हैं, तो उसको हम गूगल में फेच एस गूगल हमें करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से अपियर हो। वो भी मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में दिखा देता हूँ। वेब मास्टर टूल मैं इनका ही एक ये ले लेता हूँ लिंक, कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूँ। कॉपी लिंक का एड्रेस कॉपी करिए, देखिए ये साइट है laptopmumbai.com, HTTP के साथ, इसको फैच एज गूगल करते हैं हम यहाँ पर। आगे का पार्ट आप निकाल दीजिए, उसका जो डोमेन है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा URL जो बना लैपटॉप रेंटल सर्विसेज डॉट PHP, इसको हमें फैच कराना रहता है। अगर ये आर्टिकल न्यू है, गूगल पे इंडेक्स नहीं हुआ है, ये इंडेक्स कराने का भी एक मेथड है, आपको इंडेक्स कराना है तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ये पेज गूगल पे अगर आपका इंडेक्स नहीं हुआ है तो इमीडिएटली इंडेक्स हो जाएगा, विद इन 1 to 2 आवर्स या 4 आवर्स के अंदर आपका जो भी नया पोस्ट होगा वो इंडेक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ तो आपको यहाँ पर इसके इनसाइड डिटेल्स भी मिलेगी, उसके कोड मिलेंगे, देखिए HTTP 1.2200, ओके, मीन्स ये जो हमारा कोड है वो गूगल ने रीड कर लिया है एज इट इज। तो दोस्तों ये हमारी एक्टिविटीज हुई ऑन पेज एसईओ के लिए। मैं एक बार वापस से इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वन बाय वन, ताकि जो लोग न्यू हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और एसईओ ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज सीखना चाहते हैं कि क्या क्या है उनके लिए। तो सबसे पहले मैं इसको रिपीट करता हूँ कि हमारा पहले कीवर्ड रिसर्च करना रहता है, नंबर वन पर क्या हमारा टारगेटेड कीवर्ड रहेगा, नंबर टू पर हमारा टाइटल टैग, कि हमारा टाइटल टैग क्या है वो हमारे गूगल रिजल्ट पर दिखता है, और नंबर थ्री पर मैं आपको बताता हूँ कि मेटा टैग डिस्क्रिप्शन जो हमारा रिलेवेंसी रहना चाहिए, और नंबर फोर्थ पर हमारा हो गया H1 से H3 हेडिंग टैग जो हम यूज़ करेंगे हमारे पेज में, 5 नंबर पर हमारा इमेज में एल्ट एंड टाइटल टैग, इमेज का नाम भी हमारा कीवर्ड्स रिलेटेड रहना चाहिए, बोल्ड नंबर 6 बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, नंबर 7 एंकर टैग का ऑप्टिमाइजेशन, एंकर टैग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर लिंकिंग टू अदर पेज, हमारे अदर पेजेस पर। एडिशनल एक्टिविटी में आपका XML साइट मैप है, गूगल एनालिटिक्स इम्प्लीमेंटेशन है, वेबसाइट लोड टाइम मॉनिटरिंग इम्प्रूवमेंट, ये बहुत बेस्ट है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, स्पेशल आर्टिकल भी लिखा है मेरे पोस्ट पे कि कैसे करें। और नंबर फोर पे ओपन ग्राफ टैग, ये सोशल मीडिया में हेल्प करता है, और नंबर फाइव फेच एज गूगल, तो ये आपको इंडेक्सिंग के काम आ जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को कैसा लगा इसके लिए आपसे फीडबैक का रिक्वेस्ट है, इसको आप फीडबैक दीजिए, आपके कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब किए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं ऑफ पेज SEO एक्टिविटीज के बारे में लिखने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ आपके लिए, कि ऑन पेज एक्टिविटी तो ये हो गई, ऑफ पेज SEO एक्टिविटीज में क्या क्या होता है और उसको आप कैसे करते हैं, वो भी मैन्युअली आपको स्क्रीनशॉट के साथ में मैं आपको दिखाता जाऊँगा और SEO करता जाऊँगा। बेसिकली ऑफ पेज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा बैक लिंक्स इंपॉर्टेंट्स है, और उसके बाद मेरा एक और नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं देने वाला हूँ, गूगल लोकल SEO क्या है, गूगल लोकल बिजनेस, आप लोकल SEO कैसे टारगेट करें, वो भी लर्नर्स के लिए हैं, स्पेशली बिजनेसमैन्स के लिए है जो अपना SEO खुद हैंडल करना चाहते हैं, उसमें वो
गूगल लोकल एसईओ पे अपना खुद का कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हैं और उनको उसको खुद मैनेज कर सकते हैं गूगल एसईओ को। बेसिकली वो है एक पार्ट है कि गूगल मैप पे जो हमारी एक्टिविटीज जितनी आती है वो गूगल लोकल एसईओ में काउंट होती है। जैसा मैं यहाँ पर एक आपको एक एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये जो है आपका गूगल लोकल एसईओ है, इसको गूगल लोकल एसईओ बोलते हैं। जितना कि आपका इंफॉर्मेशन वेबसाइट यहाँ पर कैसे आए और टॉप पर कैसे आए, इसमें भी बहुत कंपटीशन होने लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।